कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित दुकान पर खरीदारी करने आए तित्रा बाजार सिद्धार्थ नगर के व्यापारी मनोज कुमार मधेशिया से पुलिस बनकर दो बदमाशों ने 80,000 की टप्पेबाजी कर दी। आपको बता दें कि जनपद सिद्धार्थ नगर के रहने वाले किराना व्यवसायी मनोज कुमार मधेशिया पुत्र स्वर्गीय रामशंकर मधेशिया से कुछ टप्पेबाजों ने पुलिस बनकर बैग और सामान चेक करने के नाम पर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके संबंध में पीड़ित व्यापारी मनोज मधेशिया ने बताया कि सिद्धार्थ नगर के तित्रा बाजार में उसकी किराने की दुकान है। वह सामान खरीदारी करने के लिए कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज में आते जाते रहते हैं। आज वह प्राइवेट बस से सिद्धार्थ नगर से गोरखपुर के बरगदवा पहुंचे, जहां प्राइवेट साधन से गोलघर आए और वहां एक छोले भटूरे की दुकान से नाश्ता करने के बाद कोतवाली क्षेत्र पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने पुलिस बनकर बैग और अन्य सामान चेकिंग करने के नाम पर 80,000 की टप्पेबाजी की। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली कल्याण सिंह सागर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सिद्धार्थ नगर के रहने वाले व्यापारी गोरखपुर के कोतवाली क्षेत्र में किराने का सामान खरीदने आए थे, जहां दो बाइक सवार लोगों ने चेकिंग के नाम पर उनका बैग और अन्य सामान चेक करने के दौरान 80,000 रुपए की टप्पेबाजी की तथा घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। एसपी सिटी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको पुलिस वाला बताता है तो उसका आई कार्ड मांगे या संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित व्यक्ति मनोज मधेशिया तथा एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, मनोज कुमार मधेशिया, मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। मार्केटिंग करने के लिए मैं साहबगंज मंडी में आया था प्राइवेट बस से, सिद्धार्थ नगर से बरगामा चौराहे पर उतरा, वहाँ से टेम्पो किया, टेम्पो करने के बाद धर्मशाला पे आया, धर्मशाला से रिक्शा किया, उसके बाद प्रेसिडेंट होटल के सामने क्वालिटी रेस्टोरेंट पे छोला भटूरा खाया, उसके बाद वहाँ से रिक्शे से चला और उसके बाद कोतवाली थाना के सामने बगल में क्या नाम है दो लोग आए, उसके बाद कहें पूछे कि क्या नाम है नशे का मतलब वो चेकिंग हो रहा है, उसके बाद क्या नाम है मेरा भी देखे दो लोगों का और बैग देखे, उसके बाद पूछे जेब में क्या रखे हो, तो हम कहें पैसा है, पैसा भी क्या नाम है पैसा निकल एक बैग से पैंट जेब से निकाले, उसके बाद दूसरे जेब से भी निकाले, उसके बाद पूछे कि क्या नाम है एक कहाँ जा रहे हैं, हम कहें मार्केट करने जा रहे हैं, फिर वो पैसा हमारे बैग में रखे और उसके बाद जैसे दोनों आगे चल गए मोटरसाइकिल बैठने, बैग जैसे मैं देख रहा हूँ उसमें पैसा नहीं है और दोनों तुरंत एक मिनट के अंदर दोनों चले गए। पुलिस वाले हैं और अपना कितने दूरी पे घटना, ये जो नशा बगल में ही है नहीं और पहले ही कोतवाली से महाज कुछ हाँ, कितना रुपया था? 80,000 था। वर्दी पहने थे कि नहीं? किराने की दुकान है। वर्दी पहने थे वो सब? नहीं वो वर्दी नहीं पहने। सादे वर्दी क्या? दो। अपने टैलेंट दी थाने? जी थाने पे टैलेंट दिया। एसपी सिटी साहब से बात हुई क्या बोले? जी जी क्या बोले? यही सब पूछे हैं वही बताए हैं। क्या बोले? क्या आश्वासन दिया है? जी कह रहे हैं जाँच हो रहा है। ये आज लगभग 11:30 बजे के आसपास एक व्यापारी सिद्धार्थ नगर से यहाँ आए थे, किराने की दुकान है उनके, वहाँ पे अपना सामान लेने यहाँ पे आए थे। कोतवाली क्षेत्र में दो बाइक सवार लोग आए और इनसे कहा कि चेकिंग हो रही है, उस बहाने जो है इनके
80,000 रुपये जो है टप्पीबाजी कर लिया उन लोगों ने, और अभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं। इसमें सर्वेलेंस टीम लगा दी गई है, इसमें क्राइम ब्रांच के लोग लग गए हैं थाना स्तर पर और सर्कल स्तर पर। हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई हैं, जो जिन जिन रास्तों पर व्यापारी आया था वो सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और जल्द ही हम अपराधियों को पकड़ेंगे और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। 80,000 रुपये बताया जा रहा है, नहीं नहीं सादे में थे। देखिए इन सब घटनाओं को एक साथ एक ही उसमें लेकर देखा जा रहा है, पूरी टीम लगी है। अभी जो भी हमने इकट्ठा करेंगे सीसीटीवी फुटेज, बीटीएस वगैरह, सीडीआर वगैरह, उसको पहले वालों से भी मिलान करेंगे, इन सबका खुलासा करेंगे। और जनता से मेरा यह अनुरोध है कि देखिए बिना वर्दी के अगर कोई व्यक्ति स्वयं को पुलिस वाला बोल रहा है तो कम से कम उसका आई कार्ड मांगे, उसको देखें। अपनी सतर्कता भी जरूरी है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, पर जनता से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी बिल्कुल सतर्क होकर के इन ऐसे सिचुएशन में ना फंसे।